आई एम अ प्राउड वोटर। देखिए, निर्वाचन आयोग की तरफ से इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में एक ये अनोखी पहल की गई है। देखिए, यहाँ पे जो पहल की गई है, आई एम अ प्राउड वोटर, इसके जरिए जो लोग हैं यहाँ पर लगातार फोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं, सेल्फीज़ ले रहे हैं, और ये फ़ोटोज़ जो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिन्हें देखकर लोग लगातार आकर्षित हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान यहाँ पर करने आ रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है सिविल लाइन्स के एक और मतदान केंद्र में। यहाँ मतदान जो है सेंट ड्यूज स्कूल में किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ कुछ मतदाता मौजूद है, आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? गोर्धन लाल है मेरा नाम। अच्छा, आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार वोट किया है? हमारे तो मुद्दे तो कोई सही भी नहीं है। देखो, सही बात यह है, क्या है कि हम तो खुद ही मतलब ये देख लेते हैं पार्टी कौन सी आनी चाहिए, बस। आपका क्या नाम है सर? तुलसीराम। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार आपको, किस तरफ रुझान लग रहे हैं? अब देखो, जिस तरह से जो योजना है सरकारी, उसके हिसाब से कांग्रेस लग रही है। आपका क्या नाम है सर? महेंद्र जोशी। क्या लग रहा है सर, इस बार चुनावी माहौल क्या बैठ रहा है? चुनावी माहौल में 50-50 है, कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है, चांस बीजेपी के आने के, चांस बीजेपी का लग रहा है आपको? बीजेपी का जी। माता जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, आपने मतदान कर दिया, क्या लग रहा है इस बार आपको, किसकी सरकार चाहते हैं आप? देखो भाई, किसकी सरकार आएगी ये क्या पता। अच्छा, आपने वोट कर दिया? हाँ, कर दिया। मैम, क्या नाम है आपका? चारू जोशी। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकाल में जो आम समस्याएं थी उनका निवारण हुआ है? हाँ, हुआ है, और उन्होंने बहुत अच्छी पहल भी करी है, चिरंजीवी योजना, गरीबों के लिए सिलेंडर, और भी बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं। मगर सारी योजनाओं का लाभ मिला है सबको? मिला है, बट सबको नहीं। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, सारी योजना मैंने पकड़ रखा है, आप आराम से बोलिए। सारी योजनाओं का लाभ सबको नहीं मिला, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको मिलना चाहिए, वो वास्तविकता में नहीं मिला, पहुंचा और जगह सामान, लेकिन बेचारे गरीब तो थोड़े बहुतों को मिला, थोड़े बहुतों को नहीं मिला, हाथ झाड़ते रह गए बेचारे। क्या नाम है आपका? श्रीमती गिरीश जोशी। अच्छा, देखिए, हमने यहाँ पे जो मतदाता थे उनसे बातचीत की, कुछ लोगों का कहना था कि कांग्रेस की जो योजनाएं थी उनका लाभ मिला है, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि गरीब लोगों तक उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है। हमारे साथ यहाँ और भी मतदाता मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या रुझान है। देखिए, हमारे साथ एक यहाँ बुज़ुर्ग मतदाता जो है जो मौजूद है, व्हील चेयर पर है, हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? दामोदर शर्मा। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? 70। अच्छा, आपने वोट दे दिया? क्या लग रहा है आपको इस बार चुनावी माहौल, किस तरफ रुझान लग रहे हैं? अब ये तो सब आगे देखा जाएगा। अच्छा, रिजल्ट के दिन पता चलेगा? ये रिजल्ट के दिन। देखिए, हमने यहाँ पे जो बुजुर्ग मतदाता थे इनसे बातचीत की, आप देखिए कि इनके पैर में चोट लगी हुई है, फिर भी ये व्हीलचेयर पर बैठकर यहाँ पे वोट करने आए हैं। इनसे हमारे युवाओं को जो है एक सीख लेनी चाहिए कि मतदान जो है हमें ज़रूर अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मतदान करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए द नगरी मीडिया भी आप सभी से अपील करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। मतदान का सिर्फ आज आखिरी दिन है, शाम को 6 बजे से पहले आकर सभी मतदान करें, सही मतदान करें, अपने मतदान का उपयोग करें और सही जनप्रतिनिधि को चुने। सिद्धिका सोनी, कैमरामैन रमाकांत के साथ द नगरी न्यूज़, जयपुर।